और झारखंड के सरकारी स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कई ऐसे दिव्यांग शिक्षक हैं जो योगदान के बाद भी वेतनमान और मानदेय को तरस रहे हैं। ऐसे एक शिक्षक राजेश यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइजुद्दीन ने। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ही नहीं, झारखंड सरकार अब झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में झारखंड के कई स्कूलों में या कह सकते हैं सरकारी स्कूलों में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक जो है वो नियुक्त की जा रही है, लेकिन अब तक झारखंड के कई ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इनमें से ही एक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राजेश यादव जी हैं और ये दुमका सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के में पढ़ाई भी कराते थे। यादव जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सबसे पहले बात करेंगे कि अपने बारे में आप बताइए कि आप कौन हैं और सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में आपका क्या कुछ योगदान रहा। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। मेरा ग्राम महादेव अम्मा पोस्ट प्लस थाना सुनर अखाड़ी जिला देवघर का रहने वाला हूँ। मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में 22 जनवरी 2020 से वर्गाध्यापन का कार्य कर रहा था। 22 जनवरी 2020 से वर्गाध्यापन का कार्य करते आ रहा था, लेकिन इसके बदले में मुझे किसी तरह का कोई राशि नहीं मिल रहा था। जब मैं नेट क्वालिफाई किया था और मेरा नाम पेपर में आया था, उस समय विभाग अध्यक्ष ने मुझसे संपर्क किया था। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष ने मुझसे संपर्क किए थे और बोले थे कि आप यहाँ पढ़ाइए, इसके बदले में जो भी घंटी आधारित टीचर को दिया जाता है आपको भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। तब मैंने महामहिम से भेंट किया दुमका में राजभवन में और इन्होंने आदेश दिए कि इसे पैसा दिया जाए, लेकिन इनसे भेंट करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे वहां से हटा दिया गया। राजेश जी, झारखंड सरकार जो है दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने जा रही है, चूँकि आप भी एक तरह से देखा जा रहा है कि दिव्यांग है, तो आपके साथ नाइंसाफ़ी आप कैसे देखते हैं? सरकार तो बड़ी बड़ी वादे बड़ा बड़ा वादा करते हैं, लेकिन धरातल पर वे बहुत ही कम उतर पाते हैं, जो कि मैं खुद से इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं एक वर्ष से अधिक समय तक सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में पढ़ाया। मैं 70% दिव्यांग हूँ, इसके बावजूद भी मेरे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। मैं 3 बार अनशन किया यूनिवर्सिटी। राजेश जी, बीते 21-22 दिन से आप रांची में हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि मैं महामहिम से भेंट करूं और अपनी समस्या को उनसे रखूं उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं आवेदन भी दिया है, मैं 9 आवेदन अभी तक महामहिम के नाम लिख चुका हूं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। मुझसे कोई भी संपर्क नहीं करने आए, कोई भी भेंट नहीं करने आए। मैं 21 दिन से यहाँ बैठा हुआ हूँ भूखे प्यासे, कितना तरह का समस्या मुझे झेलना पड़ता है। पानी पड़ता है तो मैं भींगता हूँ, परसों दिन भर में पानी में भींग रहा था, रात में भी मैं भींग रहा था, और इसके बावजूद भी मेरे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। मैं बिल्कुल, तो झारखंड में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ही नहीं, सरकार भी शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने के प्रयास में है, बावजूद अब भी ऐसे कई दिव्यांग छात्र हैं और छात्र ही नहीं शिक्षक भी जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ज़रूरत है सरकार और विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की, ताकि ऐसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं से ऐसे लोगों को निजात मिल सके। अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।